इसमें मैंने 1.5 पाव करीब खोवा लिया है, ये घर का बनाया हुआ खोवा है तो इसलिए दोबारा से इसको भूनना नहीं पड़ा। यदि आप बाजार का खोवा लाएं तो उसे घर में लाकर एक बार भूनें और फिर उसमें जाकर दूसरी सामग्री मिलाएं। तो इसको मैंने खोवा बनाने के बाद इसमें मैंने 1.5 पाव ही शक्कर मिला लिया है और ऐसे बड़े बड़े पीस नारियल के काट के इसमें सूखा सेक कर मिला दिया है, खसखस थोड़ा सा मिला दिया है और थोड़ा सा ही काली मिर्च पाउडर मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। और इसके अलावा ये मैंने सूखा रवा लिया है 1 पाव के करीब, इसको भी मैंने सूखा सेक लिया है कढ़ाई में। और ये 2 नारियल के करीब ये बुरादा है और इसको भी मैंने सूखा सेक लिया है। थोड़ी सी कुटी हुई इलायची ली है और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप जितना चाहें जो भी सामान आपको अच्छा लगता है वो मिला सकते हैं। तो अब हम इनको एक बर्तन में मिक्स कर लेते हैं। जितना भी हमने सामान लिया है वो सबको हम इसमें एक साथ मिला लेते हैं। इसको चम्मच की सहायता से अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। ये अच्छी तरीके से मिल गया है। ये 3 पाव के करीब मैंने मैदा लिया है और अब हम इसमें मोवन के लिए रिफाइंड तेल ले रही हूँ मैं। ये 1 करछुल मैंने तेल डाला है, ये 1/2 करछुल और। यदि आप इसमें मोमन नहीं डालेंगे तो ये फिर मुलायम नहीं रहेगा और खाने में ये बहुत ही रबड़ की तरह खिंचता है। और 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल दूंगी और इसको अब हम धीरे धीरे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और इसको अब हाथ में लेके इस तरीके से पूरा अच्छे से मोमन को मिला देना है। कहीं भी गांठ नहीं रहनी चाहिए। तो इस तरीके से इसको पूरे आटे में ये तेल मिक्स हो जाए तो अच्छे से मिला लेते हैं। ये अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें पानी डालकर पूड़ी के आटे की तरह इसको गूंथ लेंगे। जैसे पूड़ी का आटा थोड़ा कड़ा होता है उस तरीके से हमको भी इसका आटा कड़ा रखना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसको गूंथेंगे। एक साथ इकट्ठा पानी नहीं डालना है क्योंकि एक साथ पानी डालने में अंदाज नहीं मिलता है और आटा गीला हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको गूंथ ले रहे हैं। ये आटे को हमने इस तरीके से गूंथ के तैयार कर लिया है और ये अब हमारा आटा तैयार है। और अब हम चाशनी बनाने के लिए एक किसी भी बर्तन में नाप ले लीजिए। तो ये मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें 1 कटोरी करीब ये शक्कर है और जितना शक्कर लिया है उसी का 1/2 पानी हम डाल देंगे। तो 1/2 कटोरी में पानी ले रही हूँ और ये थोड़ा सा इलायची दाना हम डाल देंगे इसी में और इसको अब हम पकने के लिए चढ़ाएंगे। ये देखिए शक्कर अब मिक्स होने लग गई है, इसको अब हम धीमे गैस में पकने देंगे। अब हम एक कढ़ाई में घी गर्म कर लेंगे। अब हम एक लोई को लेके इसको जैसे पूड़ी बेलते हैं उस तरीके से उतना मोटा बेल लेंगे और अब हम इसको लेके हाथ में इसमें थोड़ा सा मिश्रण रखेंगे खोवे का। ये पूड़ी आप जितनी चाहे बड़ी छोटी अपने पसंद के आकार से बना सकते हैं और इतना मिश्रण लेके हम इसको नीचे रख देंगे और इसको एक साइड से ऐसे मोड़ना है हमको और फिर इसी तरीके से दूसरे साइड से भी मोड़ेंगे
और इसको चिपकाने के लिए हल्का सा इस किनारे में हम पानी लगा लेंगे। इसकी सहायता से इसको प्रेस करके हल्का सा ऐसे चिपका देंगे। यहाँ इन किनारों में भी थोड़ा थोड़ा पानी लगा दीजिए दोनों साइड, और इसको हाथ से इस तरीके से दबा दीजिए। और अब हम इसको इस तरीके से मोड़ लेंगे आधा, और इधर से भी इसी तरीके से मोड़ लेंगे और इसको हल्का सा दबा के चिपका देंगे। और एक लौंग लेंगे इसको पैक करने के लिए, और इसको बीचों बीच लौंग को हमको लगा देना है। ये इस तरीके से ये लौंग लता बनकर तैयार हो गई है। अब हम बाकी लोई की भी इसी तरीके से बना लेते हैं। ये चाशनी देखिए पककर तैयार है। इसको हम चम्मच से ऐसे करेंगे तो ये लास्ट में देखिए तार तार जैसे टूट रहा है, यानी हमारी चाशनी। ये देखिए इसको हम ऐसे चेक करेंगे तो ये बूंद बूंद ये तार जैसा बन के गिर रहा है, यानी ये पककर तैयार है। अब इसको हम बंद कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने सबको बना लिया है लौंग लता को। और अब हम हमारा घी गरम हो चुका है तो इसमें हम इसको फ्राई कर लेंगे। एक एक करके हम इसमें डाल लेते हैं। ये 2 मिनट धीमी आंच में इसको सेकने के बाद हम धीरे से इसको पलटा लेंगे तो ये एक साइड ऐसे हल्का हल्का गुलाबी सीख गया है। अब हम हर पीस को पलटा लेते हैं। देखिए अच्छी तरीके से सीख गया है ये। इसको हमको पलटा पलटा के सेक लेना है अच्छे से, और अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये चाशनी हमारी इतनी देर में कुनकुनी हो चुकी है, और अब हम इसको एक एक पीस को इसमें डालेंगे और ऐसे पलटा लेंगे। चारों तरफ अच्छे तरीके से इसको लपेट लेना है। इसी तरीके से और पीस भी डाल लेंगे हम। और ये इतनी देर में लपट चुका है हमारा ये पीस। देखिए इसमें सीरा बहुत अच्छे से पूरा चारों तरफ इसका एक लेयर चढ़ चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरीके से दूसरों पीसों को भी हम लपेट लेते हैं। ये लौंग लता हमारी बनकर तैयार है, और इस तरीके से आप भी बनाकर खाकर देखें। यदि आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।